यहाँ पर आप जितनी भी बैटरी देख रहे हैं सारी की सारी 18650 बैटरी है, जिसे आप लैपटॉप बैटरी या फिर लिथियम आयन बैटरी कहते हैं, जिसकी वोल्टेज कैपेसिटी होती है 3.7 वोल्ट की। आप इन बैटरीज को पैरेलल और सीरीज पर जोड़ के अपने हिसाब से वोल्टेज आउटपुट करा सकते हैं। वोल्टेज नहीं बल्कि एम्पियर भी ज़्यादा बढ़ा के इनमें से ले सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इससे भी बढ़िया नॉलेज आने वाले टाइम पे आपको देखने के लिए या फिर सीखने के लिए मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने से पहले इसका एक वर्किंग डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है पता हो, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं या फिर बोरिंग पार्ट लग रहा तो आप छोड़ सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं तो बने रहें। अब यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको पैरेलल्स का पैरेलल मेथड बताता हूँ, जैसे कि पावर बैंक में यूज करा जाता है ज़्यादा एमएएच के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव है टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब देखिए, अब साथ में एक और बैटरी मैं बना देता हूँ, सभी के सभी अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरफ को कर लेता हूँ। मान लिया जहाँ पर तीन बैटरी मैंने रखी हुई है, अब ये सभी का पॉजिटिव एक ही तरफ है अभी, ठीक है, पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव इसका एक तरफ है। अब बैटरी की जो कैपेसिटी है वोल्टेज में 3.7 वोल्ट की बैटरी है तीनों के तीनों। और इसके स्टोरेज की बात करूँ और इसकी करंट कैपेसिटी है, देखिए एक बैटरी की कितनी है 1200 mAh की, 1200 mAh, mAh बोले तो मिली एम्पियर पर आवर। अब ठीक है, mAh को आप अगर एम्पियर में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 1.2 एम्पियर होता है। वो कैसे, क्योंकि एक एम्पियर में आपका 1000 मिली एम्पियर होता है, एक एम्पियर में आपका 1000 मिली एम्पियर होता है, तो आप खुद ही लगा लीजिए कि आपका 1200 एमएच में कितना एम्पियर होगा, 1.2 एम्पियर इसमें होगा, ठीक है, एम्पियर। अब बात करते हैं इसको हम पैरेलल पे कनेक्ट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा और सीरीज में करें तो क्या इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले पैरेलल की बात करते हैं। अब इन तीनों का मैं पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव एक कर लेता हूँ और इसका नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव एक कर लेता हूँ, तो आउटपुट में क्या मिलेगा। देखिए बैटरी में क्या होता है ना, बैटरी ही नहीं किसी भी चीज़ में, कोई भी आपका जिससे आपका वोल्टेज जो स्टोरेज है, कोई भी कैपेसिटर हो, भले ही आपका वो बैटरी हो, भले ही कोई चार्जर क्यों ना हो, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, चार्जर पे भी वीडियो बनाई है कि दो चार्जर को जोड़ के आप ज़्यादा वोल्टेज का चार्जर बना सकते हैं सीरीज या पैरेलल पे। अब देखिए ये बात रही इसकी पैरेलल की, तो सभी पॉजिटिव एक कर लिए, सभी नेगेटिव मैंने एक कर लिए। अब इसकी वोल्टेज कितनी रहेगी, देखिए सभी के पॉजिटिव एक से जुड़े हुए हैं तो इसकी वोल्टेज तो आपको 3.7 वोल्ट ही मिलेगी एक्यूरेट। अब ठीक है, ये तो वोल्टेज की बात करी, तीनों की तीनों बैटरी सेम चार्ज होंगी तो फुल चार्ज होंगी तो आपको 3.7 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। और मान लिया जाए, एक सवाल हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आए, अब यहाँ पर ये बैटरी है आपका 3.7 वोल्ट चार्ज, इस बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी है 3.7, और ये बैटरी आधी चार्ज है यानी कि 1.6 वोल्ट चार्ज है, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और ये बैटरी आपका 2.2 वोल्ट चार्ज है। अब देखिए ये चीज़ हो सकता है आप लोगों के मन में कभी ना कभी आई ही होगी, तो ये बैटरी आपका 3.7 वोल्ट चार्ज है, ये 1.5 वोल्ट है, ये 2.5 वोल्ट के आसपास ये चार्ज है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट यहाँ पर शो करेगा, अब आप चेक करेंगे तो कितना वोल्ट शो करेगा, तो यहाँ पर कितना वोल्ट शो करेगा, सबसे ज़्यादा वोल्टेज मतलब सबसे ज़्यादा जिस बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटी होगी, यानी कि जो बैटरी सबसे ज़्यादा चार्ज होगी वही आउटपुट में आपका दिखाएगा। अब देखिए ये तो रही आपकी एक छोटे से सवाल का आंसर मैंने दे दिया, शायद आप लोगों को कभी ना कभी आ रहा होगा। अब यहाँ पर पैरेलल पे जोड़ने पर वोल्टेज तो आपको यहाँ पर सेम मिलेगी, लेकिन जो इसका एम्पियर रहेगा वो बढ़ जाएगा, तो 1200 मिली एम्पियर का, 1200 मिली एम्पियर की एक बैटरी है, तो 1200 × 3 तो जितना भी आंसर आएगा ये आपका बाहर आउटपुट एम्पियर मिलेगा, यानी कि 3600 mAh, यानी कि कितना, एक एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है, एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है, तो 3600 मिली एम्पियर में
3.6 एएमपी आपको मिलेगा, यानी कि एम्पियर आपको मिलेगा। कब? जब इसको आप पैरेलल पे जोड़ते हैं। टोटल मिला के कभी आपके पास या फिर कभी आपको आपसे कोई सवाल पूछ ले कि बैटरी को अगर पैरेलल पे आप जोड़ते हैं तो वहाँ पर एम्पियर आपको ज़्यादा मिलता है या फिर वोल्टेज, तो सीधे सीधे आप बता दीजिए कि यहाँ पर हमें एम्पियर ज़्यादा मिलता है। अब वोल्टेज ज़्यादा कब मिलेगा और एम्पियर कहाँ पर कम मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से मिटा लेता हूँ। तो सिंपल बात है, ये तो रही अभी हमारी पैरेलल की बात। अब बात करते हैं हम सीरीज में। अब सीरीज की बात करते हैं, सीरीज बोले तो अब इस बैटरी में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसको रखते हैं हम उल्टा, ये रखते पॉजिटिव, ये रखते नेगेटिव, और इसका रखते हैं हम ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। भाई सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से जुड़ता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से जुड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम पहले पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ लेते हैं, और यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और यहाँ से हमें नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे आपने रेडियो में देखा होगा एक बैटरी को दूसरी बैटरी के साथ इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, शायद आपको स्क्रीन में साफ नहीं देखा। हाँ, तो एक बैटरी को दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। वैसे आपने रिमोट कंट्रोल में देखा होगा एक बैटरी से वो वर्क नहीं करता, उसमें दो बैटरी आपको लगानी पड़ती हैं, एक उल्टी और एक सुलटी, यानी कि एक आपको उल्टा रखना पड़ता है एक बैटरी को, एक सुलटा रखना। आप रिमोट कंट्रोल को उठा के आप देख सकते हैं, किसी भी रिमोट कंट्रोल को आप देख सकते हैं, एक ही तरफ को इसके पॉजिटिव नहीं रहते, एक तरफ पॉजिटिव रहता है एक तरफ इसका नेगेटिव रहता है। इसी तरीके से उसमें सीरीज वाला वर्क किया जाता है ताकि उसे वोल्टेज आपका डबल मिल सके। अब यहाँ पर देखिए, तीन बैटरी को यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया है तो अब वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, 3.7 × 3। अब देखिए कितना हुआ, यानी कि आपको 11 वोल्ट इसमें से लेना है, 12 वोल्ट का कोई भी चीज़ इससे चल जाएगा, तो 11 समथिंग आपको इसमें से वोल्टेज आउटपुट लेना है। तो तीन बैटरी को आप सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, भले आप ऐसे कीजिए भले ही आप इस तरीके से कीजिए, जैसा कि मैं आपको डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ, जैसे कि सेल वगैरह ये मैथड यूज करा जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इस बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये है, तो यहाँ से आपको प्लस मिलेगा, यहाँ से आपको माइनस मिलेगा। तो या तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए या फिर इस तरीके से। तो ये मेथड है आपका वोल्टेज बढ़ाने का। अब इसमें एम्पियर कितना रहेगा, देखिए सीरीज में एम्पियर सेम रहता है, तो सीरीज में 1200 mA की या फिर आपको 1.2 A की बैटरी है तो उतना ही आउटपुट करेगी, 1200 mAh या फिर 1.2 A की। अब काफ़ी सारे लोगों कहेंगे हम मैं अलग अलग क्यों कह रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया 1200 mA आप कहिए या फिर 1.2 A के बाद एक ही है, तो 1000 mA का 1 A होता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, तो ये चीज़ में लागू होती है। अगर आपने एम्पियर बढ़ाना है तब आप इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको आप पैरेलल पे कनेक्ट करेंगे। आपने देखा होगा पावर बैंक पे लगभग 5 या 6 बैटरी को एक साथ पैरेलल पे कनेक्ट कर दिया जाता है, सभी के पॉजिटिव पॉजिटिव और सभी के नेगेटिव नेगेटिव एक कर लिए जाते हैं। उसमें होता क्या है ना, पावर बैंक के मॉड्यूल को 3.7 वोल्ट चाहिए होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा एम्पियर मिलता है तब जाके आपको सबसे ज़्यादा बैकअप देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे 20,000 mA का कोई 20,000 mAh का कोई पावर बैंक होता है तो उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है और बैकअप भी सबसे अच्छा वो देता है। जितने ज़्यादा सेल उसमें यूज़ करे जाते हैं उतने ज़्यादा उसका एम्पियर बढ़ जाता है। और टोटल मिला के कोई आपसे पूछे अगर आपने वोल्टेज बढ़ानी हो तो बैटरी को किस पोजिशन में आप रखेंगे, तो आप सिंपल सी बात कहिए कि अगर वोल्टेज बढ़ानी है तो बैटरी को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज में और एम्पियर बढ़ाने के लिए पैरेलल पे। अब इसको प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखाता हूँ, ये तो थ्योरिकली था, अब प्रैक्टिकली करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको सबसे पहले दो बैटरी को
सबसे पहले एक बैटरी की वोल्टेज चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब आपको शायद स्क्रीन में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इस बैटरी की आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। इस बैटरी की वोल्टेज अभी कितनी है, स्टोरेज इसमें देखते हैं, शायद चार्ज है नहीं, तो है अभी इसमें चार्ज है काफ़ी। चलिए कितना वोल्टेज है, 3.28 मान के चलते हैं, 29 भी हो जा रहा है कभी कभी, चलिए 28 मान के चलते हैं। और इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है, इसकी बैटरी की कैपेसिटी अभी मतलब स्टोरेज कितनी है, 3.94 और 3.28, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं, अब देखते हैं इसमें कितना वोल्टेज हमें मिलता है, दुगना आपको मिल रहा है। अब 3.28 चलिए कैलकुलेट करते हैं, 3.28 और इसको हम जोड़ते हैं 3.94, लगभग 94 के आसपास था, तो आप 7.22 आपको वोल्टेज के आसपास मिलनी चाहिए। तो इसमें कितनी मिल रही है, एक मिनट, इसमें कितनी मिल रही है आपको, अभी इसमें आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको मिला 7.23, मतलब 23224 इतना आसपास आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसको सीरीज में जोड़ने पर वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है। अब इसको हम पैरेलल पर जोड़ते हैं, देखिए पैरेलल पर जोड़ के दिखाऊंगा, वोल्टेज सेम मिलेगी आपको। अब यहाँ पर तो मैंने भैया दो बैटरी का एग्जांपल लिया है, आप तीन बैटरी जोड़िए, चार बैटरी जोड़िए, पाँच जोड़िए, या फिर आप छः जोड़ के देखिए। तो चलिए एक बार इनको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने हिसाब से, कहीं हिल न जाएँ, बस यही इसका डर है मुझे। चलिए फिर भी आपको एक बार ट्राई करके मैं दिखा दूँ, चार बैटरी हैं तो चारों की चारी बैटरी को मैं एक बार सीरीज में कनेक्ट किया हूँ। अब कितना मिला आपको यहाँ पर, 14.4 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिल रहा है, मतलब 14 वोल्ट के समथिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब बात करते हैं इसको सीरीज में कनेक्ट करने की, सॉरी इसको पैरेलल पे कनेक्ट करने की। चलिए दो बैटरी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, पैरेलल पे आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। अब चलिए दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव एक कर लेते हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक करने के लिए चलिए इस वायर को मैं छीन लेता हूँ और इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा, देखिए वोल्टेज सेम रहेगी बल्कि एम्पियर इसका बढ़ जाएगा। चलिए इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है, इसके पॉजिटिव पॉजिटिव एक कर लिए है, नेगेटिव। काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे यार नेगेटिव और पॉजिटिव एक करने के बाद कहीं बैटरी फटेगी तो नहीं, आपके मन में ये सब बातें पहले चल रही हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे को दो तीन दिन पहले इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारी कमेंट देखने को मिली, मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। हो सकता है नए जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो नया सीख रहे होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो सकती है। तो यही जो मेथड है पावर बैंक में यूज होता है। चलिए इसको जल्दी से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, दोनों के नेगेटिव एक कर लिए हैं। चलिए आपको थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से दिखाऊँ, दोनों के नेगेटिव मैंने एक कर लिए हैं, दोनों के पॉजिटिव मैंने एक कर लिए हैं। अब देखिए जो वोल्टेज मिलेगा, जिस बैटरी में थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी, ज़्यादा वोल्टेज, वो तो फाइनली जो वोल्टेज रहेगी वही आपका यहाँ पर शो करेगा। तो नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव को कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर वोल्टेज कितनी मिल रही है, 3.28 आपको वोल्टेज मिल रही है, 3.2 वोल्ट तो आपको यहाँ पर मिल रही है, लेकिन एम्पियर इसका बढ़ चुका है। देखिए एम्पियर अगर सिंपल मेथड में आपको अगर मल्टीमीटर से एम्पियर चेक करना बताऊँ तो सिंपल जो तरीका रहता है उसका एम्पियर चेक करने का, तो मल्टीमीटर को आप सिंपल से यहाँ पर 10 पे सेट कर लीजिए, 10 एम्पियर वाले प्रोब पे सेट कर लीजिए और इस प्रोब को आप यहाँ पर एम्पियर वाले पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पर वैसे एक्यूरेट एम्पियर इसमें नहीं आता इस बैटरी का, देखिए इस बैटरी के एम्पियर में थोड़ा इसमें गड़बड़ आपको दिख सकती है। सिंगल बैटरी का अगर आपको एम्पियर चेक करो तो आपको ज़्यादा इसमें दिखेगा, देखिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 5-5.5 के आसपास दिखा रहा है, जबकि ये बैटरी आपका कितने एम्पियर की है, 1.2 एम्पियर की है। अब वहाँ पर इसके दो बैटरी की अगर एम्पियर की बात करें तो इसका नेगेटिव मैं इस तरीके से और पॉजिटिव इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, तो अब आप इसके एम्पियर चेक करेंगे तो एम्पियर इसमें कितना कम दिखा रहा है। तो एक्यूरेट एम्पियर चेक करने के लिए आप इसमें लोड डाल के तब आप चेक कीजिएगा। और सिंपल से बात करूँ तो इस बैटरी का प्रॉपरली एम्पियर चेक नहीं हो पाता है, तो अदर्स बैटरी का जो एम्पियर है वो तो चेक हो जाता है, मैंने काफ़ी बैटरी पर ट्राई किया, लेकिन इस बैटरी के एम्पियर चेक करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत इसमें लगी। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अब देखिए आप अगर ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ बॉक्स या स्पीकर वगैरह यूज़ करते हैं और ज़्यादा उसमें आप स्टोरेज चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा और बैकअप दे,
तो एक दो बैटरी से ज़्यादा आप उसमें कनेक्ट कर लीजिए इस तरीके से पैरेलल पे। तो पैरेलल पे कनेक्ट करेंगे तो जितना वो ऑलरेडी बैकअप देता था उससे दुगना वो बैकअप वहाँ पर देगा। तीन बैटरी कनेक्ट करते हैं तो तीन गुना बैकअप देगा, चार बैटरी कनेक्ट कर दो चार गुना वहाँ पर बैकअप आपको दे सकता है। बाकी वीडियो में आपको क्या सीखने के लिए मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।